आप सभी साथियों का स्वागत है एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ टाटा जीट 2022 के ऊपर में, जो परीक्षा 15 अप्रैल के दिन में हुआ था उसका रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। आप लोग कहाँ से चेकआउट कर पाइएगा उसको समझिए। आप सभी जब फॉर्म को भरे थे, आप सभी को ईमेल आईडी पर आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया गया था। उस आईडी और पासवर्ड को यूज करते हुए आप रिजल्ट को देख सकते हो। काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं कि अपना एडमिट कार्ड में जो उनका डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड बनाया गया था उसको भी यूज कर अपने रिजल्ट को देख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो पासवर्ड है इसको यूज मत कीजिएगा, वो पासवर्ड नहीं काम करेगा। वो केवल आपका सीबीटी परीक्षा के लिए पासवर्ड सेट किया गया था। उसके अलावा आपको रिजल्ट चेक करना है या लॉगिन करना है अपना, उसके लिए जो आपको ईमेल पर आया है उससे करना होगा। ईमेल को चेक कीजिएगा, जब आप फॉर्म भरे थे, जिस दिन फॉर्म भरे थे उस दिन उस ईमेल को आया होगा। अब कहाँ से लिंक मिलेगा, तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ क्लिक कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी लोगों को कहना है कि भैया इसका रिजल्ट के ऊपर कुछ एनालिसिस कीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, जो लोग भी 2022 में पढ़ रहे, मतलब अपेयरिंग स्टूडेंट हैं झारखंड के किसी भी पॉलिटेक्निक में या फिर अदर स्टेट के पॉलिटेक्निक कॉलेज जिनके पास डोमेसाइल झारखंड का था, उन्होंने फॉर्म भरा, उनका रिजल्ट नहीं हो पाया। ऐसा 99% के स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हो पाया, ऐसा क्यों? काफ़ी लोगों का आरोप भी चल रहा है कि वार्ड वाला का ही हुआ होगा या फिर जो पास आउट सीनियर है उनका ही हुआ होगा। ऐसा रियलिटी बात है क्या? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बात नहीं है। एक दो स्टूडेंट का मैंने पता किया है जिसका अपेयरिंग में भी हुआ है, कॉलेज उनका है जो बोकारो में है, उनका एक अपेयरिंग में भी हुआ है। तो ऐसा कहना सही नहीं है कि सिर्फ पास आउट का हुआ या वार्ड वाला का हुआ। और दूसरी बात क्या, काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं कि हो नहीं पाया तो इसका रिजल्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। देखिए, टाटा जब भी परीक्षा लिया है कभी भी कट ऑफ जारी नहीं किया है, या फिर ये नहीं बताया कि आप कितना नंबर से फेल किए हो, कितना नंबर से आप पास किए हो। बस वो ये दिखा देता है कि आप सेलेक्ट हुए हो इंटरव्यू के लिए या नहीं हुए हो। तो ये जो है उसका थोड़ा ड्रॉफॉल है टाटा का। हम लोग सब चाहते हैं कि वो रिजल्ट को अगर पब्लिक करता या कम से कम नंबर बता देता तो कितना नंबर से पीछे रहेगा, कितना नंबर से आप आगे बढ़ पाए, तो इससे कट ऑफ मालूम चलता है और बच्चे अगले बार के लिए मोटिवेट होकर तैयारी करते हैं। ऐसा बताया नहीं गया। तो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने हर ग्रुप में। अब प्रयास कीजिएगा कि टाटा का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है या फिर जो भी टाटा का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर आप ट्वीट करके रिजल्ट का नंबर को पूछिए अपना, चाहे वो आप फेल करे हो या फिर पास किए हो, अपना रिजल्ट के बारे में पूछिए कि कितना नंबर आपको मिला है। इससे क्या होगा कि कट ऑफ के बारे में जानकारी अच्छी तरह से मिल पाएगा कि हाँ कितने नंबर से बच्चे पीछे रहेगा और क्या रियलिटी में वार्ड वाला को ही लिया गया। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम तो वीडियो बना के कह दिया आपको, अब आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक मेल कीजिए, ट्विटर पर इस्तेमाल कीजिए, इससे टाटा को लगे कि हाँ उनको कट ऑफ बताना चाहिए। ये चीज़। दूसरी बात क्या कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उन सभी का इंटरव्यू सेक्शन चल रहा है। अब उनका इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ मैं चैनल पर, उस वीडियो को आप देख सकते हो क्या क्या लगता है, क्या क्या मांगा जाता है, उस वीडियो को देखिए। और जिनको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया उनको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक कि आप आगे बढ़ते रहें। बाद बाकी जिन लोगों को रिजल्ट पर डाउट है वो अपने तरफ से आप क्या कर रहे हो वो देखिए, टाटा क्या किया वो तो सब देख ही लिए हैं, अब आपको क्या करना वो देखना है। आप कुछ करिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ करेंगे तभी कुछ हो सकता है। मैं प्रयास करना चाहूँगा झारखंड जितने भी यूट्यूब चैनल के यूट्यूबर है जो वीडियो बना रहे टाटा के ऊपर, वो लोग भी अपने अपने माध्यम से इस बातों को रखें ताकि लोग और बच्चे आए आगे और रिजल्ट के बारे में अच्छी तरह से जान सके। क्योंकि सबका 500 रुपये लगा है और 500 रुपये देने के बाद में उनका ट्रांसपोर्टिंग और वहाँ जाकर एग्ज़ाम देना और नंबर ही उनको नहीं मालूम चल पाया, ये सही बात नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग आगे आए, मैं खुद आपके लिए ट्वीट कर दूँगा, रिट्वीट कर दूँगा, मेल कर दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो तक, लीजिए हिंद, जय भारत।